हाय चैंप्स, मैं आपका दोस्त ये सुनील आप सबके पास आया हूं एक बहुत ही अमेजिंग सा टिप्स देने के लिए जो आपके स्टडी रूटीन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज के इस पूरे के पूरे छोटे से वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपको आपका स्टडी रूटीन कैसे बनाना चाहिए, उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट बहुत ही इफेक्टिव तरीके से अचीव कर पाए। चलिए सर, लेट्स बिगिन। सबसे पहले दोस्तों, जब भी हम कहते हैं आपको अपना स्टडी रूटीन बनाना है, बेटा स्टडी रूटीन बनाने से पहले सबसे पहले हमें अपना टारगेट या हमें अपना गोल क्लियर होना चाहिए। अनलेस एंड अंटिल वी आर क्लियर विद अवर गोल, बेटा हम जाएंगे कहां हमें पता ही नहीं। तो स्टेप नंबर वन, मैं हमेशा बोलता हूं, हैव अ कंक्रीट प्लान। भाई आपको प्लान बनाना पड़ेगा। सर ये प्लान कैसे बनाना है इसके बारे में दो मिनट बता दो। तो बेटा देखिए, यहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज अपनी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जो आपको रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के टीचर्स आपको देते हैं। भाई आपने कहा मेरे को लॉ पढ़ना है, तो लॉ में सबसे पहले ज्यादा वेटेज के चैप्टर कौन से हैं। मैं हमेशा बोलता हूं भाई पहले आप अपनी तैयारी इस तरीके से करिए कि भाई देखो आपका कम से कम पहला टारगेट होना चाहिए कि आपको 0 से 60 मार्क्स तक का आपको कोर्स के बेटा बेसिक चैप्टर आपको पता हो। भाई इतना आपको मिनिमम इतना करना है, ये वाले चैप्टर्स बेटा इतने सॉलिड तरीके से करने हैं, इतने बढ़िया तरीके से करने हैं कि भाई इनमें 60 में से 55 या 50 तो मिनिमम आ जाए। मैं कहता हूं बाकी 40 में अगर मेरा ऊपर नीचे भी हुआ तब भी मुझे पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहली बात, आपका स्टडी प्लान चैप्टर वाइज रेडी होना चाहिए। मैं हमेशा बेटा इसको इस तरीके से बोल देता हूं कि भाई पहले आप अप टू 60 मार्क्स का सिलेबस के चैप्टर्स आइडेंटिफाई करिए, फिर उसके बाद बेटा आप नेक्स्ट 20 मार्क्स के आइडेंटिफाई करिए, और उसके बाद आप थर्ड स्टेप में नेक्स्ट 20 मार्क्स करिए। तो इससे क्या होता है, जब हम अपने कोर्स को बेटा ब्रेक कर लेते हैं तो मुझे पता है भाई ये तो मैंडेटरी करना ही करना है, ये वाला करना है, ये वाला मेरे को भी करना है क्योंकि मुझे तो बेटा मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, बट ये इस पे मुझे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है। तो आपका बेटा प्लान एकदम से रेडी हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अब देखो हम क्या करते हैं, जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो हम पढ़ने से पहले बस किताब उठाते हैं और करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना बेटा। पढ़ने से पहले यू शुड सेट योर क्लियर गोल्स, भाई आज का टारगेट क्या, या आज मैं इस 3 घंटे का सेशन अब मैं पढ़ने वाला हूं या 2 घंटे का पढ़ने वाला हूं या जितनी भी देर का पढ़ने वाला हूं, सेट योर क्लियर गोल्स। तो मैं बोलता हूं यहां पर आप अपना डे वाइज टारगेट बनाए कि भाई आज मुझे क्या करना है। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले यू शुड हैव अ टारगेट कि व्हाट इज द रिजल्ट यू वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ द डे। आप करना क्या चाहते हैं, कितना मिनिमम या मैक्सिमम आप अचीव करना चाहते हैं, बी क्लियर विद दैट। क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं होगा तो बेटा पूरे दिन में जो टास्क कर रहे हो, काम कर रहे हो, वो इफेक्टिवली जनरेट नहीं होंगे, वो इफेक्टिवली पता भी नहीं चलेगा। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद हमें समस्या आती है, सर ये तो मेरा रह गया, मेरा वो रह गया, या मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास दिक्कत आ रही है। तो इन सब से बचने के लिए भैया डे वाइज टारगेट आपके बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर होने चाहिए कि ये मेरा दिन का टारगेट है जो मुझे आज अचीव करना है और डेफिनेटली अचीव करना है, राइट। चलिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर आप अपने शेड्यूल में फिजिकल एक्टिविटी या योगा को जरूर इंक्लूड करें। हम जनरली देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं बेटा, एज अ स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ये फोकस करते हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। नहीं बेटा, आपके आपके पूरे डे में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी या योगा जरूर होना चाहिए। इससे बेटा दो फायदे, पहले तो आपकी हेल्थ बेटर तरीके से बनी रहेगी, दूसरा यकीन मानना आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, योर कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू अ गुड वैल्यू। तो भाई ये दो में से कोई एक चीज जरूरी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा दिन, अरे सर हम तो आज तो है, हाँ, आज तो एक्सरसाइज नहीं बेटा, ये दिन में रोज करना है थोड़ी देर, थोड़ी देर मतलब आधा घंटा भी करोगे तो चलेगा। तो यू कैन असाइन 30 मिनट्स फॉर दिस, मैक्सिमम मैं कह रहा हूं आप 30 मिनट कर लोगे बहुत हो जाएगा, इतने में भी आपको जो रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है पूरी फुलफिल हो जाएगी। आई होप पहले बेटा ये वाली बात भी समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब चौथा पॉइंट क्या आता है सर, भाई देखो पानी जरूर पीते रहना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है।
बहुत बार देखा गया बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करते हुए मदहोश हो जाती है और वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। ये काम नहीं करना, सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बैलेंस्ड डाइट। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चों से पूछो सर, बच्चा कहता है सर नींद दिन में ना बहुत नींद आती है सर, क्या करूं जीवन में बहुत ही नींद आती है। मैंने कहा क्या खाया था, कह रहे सर ज्यादा नहीं, अब दिल्ली का हूं तो छोले भटूरे खा लिए थे, सर मैं किसी शहर का हूं वहां की फेमस आइटम खा ली थी, मैं किसी और शहर का हूं मैंने वहां की फेमस आइटम खा ली थी। बेटा अगर हैवी फूड्स खाओगे जिसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है तो उससे क्या होगा, आपको नींद ज्यादा आएगी, बॉडी नीड्स रेस्ट टू डाइजेस्ट। बट मैंने कहा भैया नहीं, आपको बेटा बैलेंस डाइट लेनी है। मेक श्योर आपकी बैलेंस डाइट का मतलब है उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स न्यूट्रिएंट्स सब हो और वो डाइजेशन में आसान हो। ऐसा नहीं कि भाई साहब मैं छोले भटूरे खा के हो लस्सी पी के हो मस्त एकदम झकास नींद, नहीं ऐसे नहीं करना, ठीक है ना बेटा। आपको अच्छे तरीके से अच्छा घर का बना हुआ खाना खाएं, घर पे खाएं बहुत बढ़िया तरीके से, अपना घर का बैलेंस फूड खाएं, राइट। चलो सबसे इंपॉर्टेंट बेटा ये जो वर्ड है ना प्रोक्रास्टिनेशन, भैया इससे बचें। देखो हम ये क्या करते हैं, मोबाइल देखते हैं हम कहते हैं अरे वाह यार ये तो बहुत बढ़िया चल रहा है, रील्स तो बहुत मजेदार आ रही है ना, और पता नहीं चलता समय कब खराब हो गया। समय खराब होने के बाद हम क्या कहते हैं, कल तेरा भाई पक्का करेगा, है ना, कल तेरा दोस्त पक्का करेगा। तो ये कल वाला मैटर नहीं आना चाहिए, जो करना है आज और अभी। तो कोई भी चीजों को टालो मत, कल पर मत डालो, जो आज हो सकता है उसे आज के आज खत्म करो, कल के ऊपर मत डालो। तो दैट इज अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। इससे क्या होगा, आप अपने शेड्यूल जो आपने बनाया उस पर बैंग ऑन टारगेट पर रहोगे, ठीक है। अब मोबाइल की बात कर लेते हैं दो मिनट और, एक बोनस पॉइंट दे देता हूं, मोबाइल यूज करें या ना करें तो बेटा करो, कोई मना नहीं है। देखो आप उसके बिना रह नहीं पाओगे, है ना, आज की डेट में हम कहें बिना मोबाइल के रह सकते हैं तो थोड़ा सा मेरे लिए भी अवॉइड मतलब ऐसी बात हो जाएगी, नहीं सर हम तो रह लेंगे, हम तो हिमालय पे जाके रहते हैं, हम तो गुफाओं में रहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं बेटा मोबाइल यूज कर सकते हो, बट देखो हर चीज का लिमिट, आप उसको विद इन द टाइम लिमिट यूज करो, नो प्रॉब्लम। टाइम लिमिट से ज्यादा करोगे, एक्सेस यूज करोगे तो आपके लिए हार्मफुल है, पढ़ाई हार्म करेगा, राइट। तो विद इन द लिमिट्स, जैसे आधा घंटा दिन में आपने बुक कर लिया, आधा घंटा मैं मोबाइल देखूंगा, उसमें मैं मोटिवेशनल देखूं, मैं रील्स देखूं, मैं जो पसंद है वो देखो, बट नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है। तो लिमिटेड टाइम में, ये था आपका बोनस पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं अब आप अच्छे से अपना प्लान बनाएंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलता हूं, अंत में सिर्फ पढ़ाई काम आओगी, एग्जाम में जाके आप होगे और आपकी मेहनत और आपकी पढ़ाई, और कोई साथ नहीं होगा। तो इसलिए अंत में हमेशा पढ़ाई काम आओगी, तो पढ़ते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट दोस्तों।